जनपद हल्द्वानी में दो दिवसीय जोहार महोत्सव का आयोजन किया गया है। महोत्सव में रविवार को बच्चों की कई प्रतियोगिताएं भी की गई हैं, जहां पर पारंपरिक परिधानों में सजे धजे बच्चों ने फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन प्रतियोगिता में हिस्सा लिया है, जिन्हें निर्णायक मंडल ने अलग अलग वर्ग में विजेता घोषित किया है। वहीं महोत्सव में महिलाओं ने व्यंजन बनाओ प्रतियोगिता में सीमांत ग्राम मुनस्यारी की जोहरी शौक संस्कृति को प्रकट करते हुए व्यंजन बनाए हैं। निर्णायक मंडलों ने स्वाद चख कई वर्गों ने महिलाओं को विजेता घोषित किया है। महोत्सव में कई खाने पीने के स्टॉल भी खासी भीड़ रही। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। बहुत अच्छा लग रहा है जोहार महोत्सव में। इस तरह की गतिविधियाँ हमारे समाज में होना चाहिए, ताकि हमारे और हमारे आने वाली पीढ़ियों को भी हमारे कल्चर के बारे में पता चले। हमारा 12वां जोहार महोत्सव है। कोरोना काल में हम लोग नहीं कर पाए थे 1-2 साल, और आज जो है हमारा सेकेंड डे है हमारा जोहार महोत्सव का। हमारा ये जितने भी जोहार महोत्सव के जितने भी कल्चर होते हैं हमारे, इसमें सब अपने अपने ड्रेस में, ट्रेडिशनल ड्रेस में आते हैं, अपनी वेशभूषा में, अपना भी जितना भी हमारा खान पान है। कि सबसे पहले तो हम लोग सब यहाँ के कल्चर से जुड़ते हैं हर कोई, और हर किसी को यहाँ पर आना चाहिए, यहाँ के हर कल्चर से जुड़ना चाहिए, यहाँ के रीति रिवाजों को समझना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपको हर चीज़ की बाहरी चीज़ें मिलेंगी, डिश से लेकर कपड़ों से लेकर यहाँ के जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं हर चीज़ें। तो ये हर किसी को यहाँ जुड़ना चाहिए, हर किसी को यहाँ की